भारतीय किसान यूनियन भाकियू के दो फाड़ होने के बाद टिकैत बंधुओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत अब एक नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों किसान नेताओं पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। खबरों के अनुसार अधिकारी इस मामले की जांच शुरू करने जा रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में रहने वाले राहुल मुखिया ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि राकेश टिकैत भी इसी गांव के रहने वाले हैं। राहुल मुखिया ने आरोप लगाए हैं कि इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा, एक दशक पहले सरकार की तरफ से सिसौली गांव में जमीन का हिस्सा तालाब के लिए आवंटित किया गया था, हालांकि टिकैत भाइयों ने तालाब को मिट्टी से भर दिया और अवैध रूप से रहवासीय संपत्ति का निर्माण कर लिया है। मैंने इस मामले में लिखित रूप से जिला स्तर पर अधिकारियों को सूचित किया है और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुढ़ाना इलाके के SDM अरुण कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी क्योंकि शिकायत दर्ज हो चुकी है। हम इस मामले की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। वहीं मुखिया ने भी चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो वो न्याय के लिए PM मोदी और CM योगी तक जाएंगे। वहीं नरेश टिकैत ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि पूछताछ के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों ये लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हमने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, सभी आरोप निराधार हैं। बता दें कि हाल ही में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर 13 महीनों तक चले किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाला भारतीय किसान यूनियन भाकियू के दो फाड़ हो गए थे और एक नया संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अस्तित्व में आ चुका है। इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर देश भर के किसानों का बड़का नेता बनने वाले भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत की राय भी अलग अलग थी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि राकेश टिकैत और उनके भाई की भी आपस में संगठन को लेकर नहीं बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।